भाई 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 जितन जितन सर उधर सर भाई भाई तेरा धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आप जैसे जानते हैं कि पूरे यूपी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसी अमृत महोत्सव के क्रम में आज NDRF द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मेरे और SPCA द्वारा भी वृक्षारोपण में पार्टिसिपेट किया गया है और वृक्ष लगाया गया। सर सर किस विषय पर आज प्रोग्राम था यहाँ पे वृक्षारोपण का? यहाँ पे हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ट्री प्लांट किया है और ऐसे हम प्रोग्राम पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर परिचय बता दो। मैं इंस्पेक्टर दिनकर त्रिपाठी 11th NDRF वाराणसी से। कहाँ हो यार, SSP साहब भी आ गए। तो क्या करोगे नहीं करोगे तुम लोग जानो। यहाँ कप्तान भी पहुंच गया, तुमको वो भी नहीं है। आप इधर खड़े जाइए, एक लोग इधर खड़ा जाइए। भाई साहब हम लोग सर को देखा, अगर बुलाई तो शायद ना मिल सर। यही होता है। निकालो 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 निकालो। मंच के नाम से एक संगठन बना रखे हैं जिसका नेतृत्व करता है अनिल कुमार सिंह, और इन्होंने बिना किसी सूचना के और बिना अनुमति के बालसन चौराहे पर इन्होंने एक प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जो कि कहीं से इनको अनुमति नहीं थी। और धरना स्थल ऑलरेडी साइट है, इनको बताया गया कि क्योंकि कार्यक्रम रोड है हमारा, सार्वजनिक स्थल है, और यहाँ इस तरह का प्रदर्शन जो है यातायात को अवरुद्ध करेगा, लोगों को परेशानी में डालेगा। आप धरना स्थल पर जाइए, जहाँ पे धरना स्थल डिसाइड किया गया पत्थर गिरजा घर पर, ये लोग वहाँ के लिए मूव किए हैं, पत्थर गिरजा घर पर ही इनका धरना प्रदर्शन होगा। नहीं, मोमेंट पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, ये लोग आ रहे हैं और यहाँ से जो वाहन इनको मिल जा रहा है उसको स्वयं बैठ जाए। क्या मांग है आप? हम लोगों की मांगे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभालते समय कहा था कि हम पूरे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक वो नौकरी देने में असफल रहे हैं। 5 लाख से अधिक पद खाली है, जैसा कि सरकारी डाटा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना झूठा विज्ञापन छकवाने के लिए मुंबई में, कोयम्बटूर में बैनर लगवा रहे हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर क्या है कि वैकेंसियाँ आती ही नहीं हैं। जो आती हैं वो भ्रष्टाचारियों की भेंट पहले ही चढ़ जाती है। हम लोगों की मांग है कि पदों को, खाली पदों को जल्द भरा जाए, और अगर ना भरा गया पदों को तो हम लोग आंदोलन को प्रतिदिन चला करके, कभी मुख्यमंत्री का घेराव, कभी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन, अब ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हमको रोजगार के लिए, अब सरकार हो या पुलिस हो, बराबर की लड़ाई लड़ी जाएगी, और
जब तक खाली पदों का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस का मामला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पेट का मामला हो, चाहे लोक सेवा आयोग का हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला हो। अब प्रयागराज का युवा सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, अब ये आंदोलन पत्थर गिरजाघर में संचालित रहेगा। करण सिंह परियार, पूर्व अध्यक्ष, CMP डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।